एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कुलक्षेम जानी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यूसीसी कानून को लेकर कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर जो करेगी वो सर्वमान्य होगा। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने धामी सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और कॉमन सिविल कोड को लेकर सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है। मदन कौशिक ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है और इस वर्ष अधिक संख्या में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं, जिसके लिए सरकार की पूरी तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता और धार्मिक संस्थाएं कांवड़ यात्रियों के सुख सुविधाओं के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं। नहीं, बहुत अच्छी सरकार हमारी चल रही है और लगातार आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े काम इस वर्ष में जो सरकार कर रहा है, चाहे हम लोग कॉमन सिविल कोड की बात कहते थे उस पर भी काफ़ी आगे सरकार बढ़ी है और एक ऐसे विषय को लेकर भी सरकार ने काफ़ी मात्रा में काम किए हैं जो सरकारी भूमि पर एक अतिक्रमण इस रूप में रहता था उस पर भी एक अच्छी सराहनीय काम किया है और आने वाले समय में और अच्छे काम इस रूप में होंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यकाल पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में रहा है। कांवड़ियों के लिए एक अच्छी व्यवस्था और सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर और एक अच्छी व्यवस्था बनाई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।